जी अहमद। जी मिस स्टार्ट हाँ जी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमने मैकेनिकल एनर्जी भी कर लिया, केमिकल एनर्जी का भी हमारा हो गया था। स्क्रीन शेयर बेटा विजिबल हुई है? नो मिस। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ दोबारा। जी, अब हो गया। जी मिस। अच्छा, वो केमिकल एनर्जी किससे बेटा, किस 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 फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, वो सब पता चल गई थी आपको? जी न्यूक्लियर मिस। एनर्जी को देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है, इन एडिशन टू हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन। मैंने बताया था ना आपको, दो रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, फिशन और फ्यूजन। उसके जरिए न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है, रेडिएशन एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स, ठीक है ना। अभी हम रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, अल्फा पार्टिकल्स वाला सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडिएशन थी, ठीक है ना। और बैग पे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका इमेज इमेज बन रहा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो जो डिस्कवरीज थी एटॉमिक पार्टिकल्स की, था ना बेटा उसके अंदर एक किस किस्म का पॉइंट, सही है ना। तो ये वही वाली बात है कि वो एनर्जी एमिट करते हैं, वो एनर्जी होल्ड करते हैं, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी वो होल्ड करते हैं, और इसी वजह से फिर कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे उनको हैंडल करना। अच्छा, हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट एनर्जी होती है ना, उस हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। थर्मल में हम क्या देख रहे थे, टर्बाइन मोशन, ऐसा ही था ना। जी टर्बाइन के मोशन की एग्जाम्पल दी थी ना बेटा मैंने आपको, कि वो स्पिलवे ओपन करते हैं, देन टर्बाइन चलते हैं, टर्बाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके जनरेटर्स में स्टोर कर दी जाती है, और देन आगे ट्रांसमिट कर दी जाती है। आपका तरबेला डैम जो है बेटा, वो तो मेरे ख्याल में हाफ ऑफ द पंजाब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसी डैम के रिजर्व्स के थ्रू ही दी जा रही है। पाकिस्तान के पास तो इतने ज्यादा डैम्स भी नहीं है, ऐसा ही है ना। तीन चार है बस। अच्छा, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन फॉर द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सन। सन के करीब डियर कोई जा नहीं सका, आज तक कोई साइंटिस्ट सन के करीब नहीं जा सका। क्यों? एक तो उधर हीट बहुत ज्यादा है, दूसरी बात है बेटा वो जो उधर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी सरफेस के ऊपर, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। हमारी ओजोन की लेयर जो है ना, वो डियर स्टूडेंट हार्मफुल रेस को ब्लॉक कर देती है, और पॉजिटिव रेज हमारी अर्थ तक आती हैं, ताकि हमारी इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, ताकि ह्यूमन लाइफ की सस्टेनेबिलिटी रहे, सही है ना। तो बेटा, आपने कभी देखे वाटर के है? रिसर्च हो चुकी है, एनिमल्स पे रिसर्च हुई है, प्लांट्स पे रिसर्च हुई है, केमिकल्स पे रिसर्च हुई है, कंपाउंड सब्सटेंसेस पे रिसर्च हुई है। व्हाट इज ए फायर? कोई नहीं बता सकता, फायर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि फायर को कौन कोई आज तक हैंडल ही नहीं कर सका, कोई ये बता नहीं सका कि ये किस चीज से बनती है, ये किस किस्म की एनर्जी है। अगर हम ये कहें कि ये रेडिएशन है, तो फिर वो मैच स्टिक के उस कंपा उसको रगड़ते हैं जब हम माचिस जलाने के लिए, तो आग जल जाती है, वो भी फायर है। उसको हम चूल्हे पे लगा लेते हैं सुई गैस के जरिए, सुई गैस पे रिसर्च हुई हुई है कि वो मीथेन गैस है, ठीक है ना, कलरलेस ऑडरलेस गैस थी ये, जो सुई गैस की जो स्मेल है ना, ये तो खुद ह्यूमन ने ऐड की हुई है, ऐसा ही है। वैसे सुई गैस की जी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है, तो ये ह्यूमंस ने खुद ऐड की हुई है ताकि पता चल जाए कि ये
का फ्यूल है, बर्निंग फ्यूल है, ह्यूमन उसको इजीली यूज कर सके, ठीक है। लेकिन बेटा जब वो फायर बर्न होती है तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि वो क्या है, ठीक है। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी थोड़ी सी देख लेते हैं, ये देखें डायग्राम बेटा। काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट इधर था, मोशन के अंदर आया, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ले रहा है, यहाँ पे आके स्टॉप कर गया, ये पोजीशन होल्ड कर रहा है ड्यू टू मोशन, यहां तक तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। जब इधर टॉप पे आया तो ये इस चक्कर कौन सी है, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डियर स्टूडेंट एक हाइट के ऊपर है ना, अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ जी, ऐसा ही है, ठीक है। फिर यहाँ से उसने ड्रैग किया है जी अपने आप को एनर्जी आउट, और काइनेटिक एनर्जी को होल्ड करता करता साइक्लिस्ट आगे चला जाता है, ऐसा ही है, यस ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से फिर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन फिजिक्स का एक रूल है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। कभी भी कोई सिस्टम, इसको कंसिडर कर लें कि ये एक सिस्टम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम, इनपुट से पहले आउटपुट के बाद, कोई भी सिस्टम कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, कंडीशन चेंज हो सकती है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, लेकिन एनर्जी जीरो नहीं होती, ठीक है, यस ठीक है। अभी ये चैप्टर आपका 4 है ना डियर, ऐसा ही सिक्स है, है सॉरी 6 है, तो मैं यस इसमें से मिस देख लेती हूँ उसके कितने टॉपिक्स और रह गए हैं। मेरे ख्याल में इसके थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, ये कवर हो जाएगा ना एक दो यस दिनों मिस में, आगे देख लें उसको। अच्छा और क्या है, एनर्जी फ्रॉम वाटर, यही जो मैं अभी आपको बता रही थी बेटा, इसके अंदर ज्यादातर आगे थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये आपको ऐसा ऐसा करके रोज का लेक्चर देखे डियर स्टूडेंट हम डन कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए एनर्जी की कन्वर्जन, आगे ऐसा जिसका इतना वो नहीं है, अभी आज के लिए ये दो टॉपिक्स ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री को देख लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कल हमने लॉस पढ़े थे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बात आ रही है ना हमारी, कल तक क्या हमने जितना किया था डियर वो तो अंडरस्टैंड आपको हो गया था, कि कोई इश्यू है उसमें बता दें, देख लें आज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड कैल्विन इंट्रोड्यूसेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट, तो बेटा हम लोग नॉर्मली पढ़ते रहे हैं, सही है, उसकी कन्वर्जन के फॉर्मूला भी होते होंगे, सेंटीग्रेड टू फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट टू सेंटीग्रेड, पढ़े हुए हैं ना पीछे साइंस में क्लास 7 में, ठीक है। लेकिन अभी एक और स्केल देखते हैं जी, लॉर्ड कैल्विन कोई थे और उन्होंने कोई बड़े मजे का स्केल बनाया है, और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन टू -273.15, ये वैल्यू दी हुई है जी, ये उनकी कुछ रीडिंग्स थी, ठीक है, उन्होंने इसके हिसाब से टेम्परेचर को मेजर करने के कुछ रूल्स बताए हुए थे, सही। इसके अंदर इनको जो नेम दिया गया था जी वो एब्सोल्यूट जीरो का था, ठीक है। ये इधर स्केल देख लें, सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -100, माइनस, ये नेगेटिव है, यानी कि ये फ्रोजन इस टाइम के ऊपर आके बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, ठीक है ना, 0 से ऊपर ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर है, 35 और 40 जब पे जब जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए बेरेबल नहीं होता, ठीक है, 0 के ऊपर आके फ्रीज हो जाती है, 0 से नीचे
बिल्कुल जो है ना वो एक्स्ट्रा फ्रोजन, वो भी ह्यूमन बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, ऐसे ही है यस ठीक है। ये आपके जो आर्कटिक रीजन्स है ना, ठीक है ना, ये पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल सारे फ्रोजन है ना, ग्लेशियर सारे फ्रोजन है, उधर नेगेटिव में होता है टेम्परेचर। कैल्विन की देख लें, 0 कैल्विन है, उसके बाद बेटा 73 है, फिर 173 कैल्विन है, और 0 को 273 कैल्विन, यानी कि जो सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कैल्विन के अंदर इस स्केल के इक्वल है। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। ये असल में एक आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है डियर स्टूडेंट के, जिसके ऊपर आपकी कोई भी आइडियल गैस, ठीक है ना, वो उसका वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। जब 0 वॉल्यूम होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंजेस, व्हेन 0 केल्विन इक्वल टू -273 सेंटीग्रेड, देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इनवर्स पता चल गया है ना, ये -273 सेल्सियस है तो ये 0 केल्विन के इक्वल है बेटा, ठीक है। और एक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, थोड़ा सा इनवर्स है, ठीक है। जी मिस नेगेटिव टेम्परेचर्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। कन्वर्जन ऑफ केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा कैन बी कैरिड। ये 2 फॉर्मूले हैं डियर, ये देख लेने हैं। केल्विन का कन्वर्ट करने के लिए +273 कर देना है, लेकिन जब सेल्सियस को केल्विन में कर रहे होंगे तो -273, ठीक है, ये न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू यूज होगी। चार्ल्स लॉ जी क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कल भी हमने एक देखी थी, आज भी हम देख लेते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या यूज़ है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। हम लोगों ने पहले ये पढ़ा। अब फ्रेंच साइंट, ये नेम याद रखना है हमें, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं जे चार्ल्स, उन्होंने 1787 के अंदर ये लॉ प्रेजेंट किया था। इसकी स्टेटमेंट क्या थी, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, कोई गिवन मास ऑफ ए गैस है ठीक है ना, उसका वॉल्यूम वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पढ़ लिया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसीलिए हमें एब्सोल्यूट, वो जो लॉर्ड केल्विन का स्केल था ना उसको, क्योंकि जब उसने वो स्केल प्रोड्यूस किया तो उस चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि हमें, बॉयल्स ने तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए दे दी थी, इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए दे दी है, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब एक कंटेनर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा, जो भी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के इक्विलेंट होगा। ये देखें बेटा, डायरेक्ट मैंने बताई थी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आपको, अगर इसमें इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती तो वो क्या होती, 1/T, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी गैसेस के अंदर किसके अंदर पाई लाई करती है बेटा, 1/P में, ठीक है ना, प्रेशर में है ना, ऐसा ही है। वन ओवर पी आपने देखा था ना पहले, कल हमने बॉयल्स में देखा था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है बेटा। वही कांस्टेंट के एक लगाएंगे वैल्यू को स्टेगनेंट करने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए। ये कल का पॉइंट भी मैंने आपको बताया बेटा, ये स्टूडेंट के जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करना होता है, हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम कोई वैल्यू देते हैं, फिजिक्स के अंदर थेरीज बातचीत के ऊपर प्रूव नहीं होती। अगर एक साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दे दी है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की, उसको न्यूमेरिकली वो प्रूव भी करना है। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट विच इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रूफ्स, मैथमेटिकल प्रूफ्स। अगर कोई आप लॉजिक दे रहे हैं उसको आप मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिखाएंगे। ये फिजिक्स के अंदर रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, यस मिस
अब कल भी हमारा डियर स्टूडेंट के ही कांस्टेंट था, आज भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ही है, लेकिन हमारा रिलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू के एन। ठीक है, यहाँ से बेटा वही डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंगली टी दोनों साइड के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो वी ओवर टी इज इक्वल्स के। ठीक है, अगर हम दो टेम्परेचर गैसेस गैस कंटेनर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक वॉल्यूम वी वन टी वन के साथ है, एक वी टू टी टू के साथ है, हमारी ये स्टेटमेंट इस फॉर्म में आती है। ठीक है, और उसके बाद वी वन वी टू इज इक्वल्स टी वन टी टू, हमें ये वेरिएबल्स इक्वलाइज। अभी इसका मैं यूज आपको बताती हूँ, ज्यादा बेटर आपको न्यूमेरिकल से ही पता चलेगा। ये देख लेते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जरा थोड़ी सी देख लें। सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर हैविंग ए मूवेबल पिस्टन, कल भी हमारे पास मूवेबल पिस्टन थी, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है ना। अच्छा, अब फ्रिक्शनलेस है जी, फ्रिक्शनलेस है, पिस्टन फ्रिक्शनलेस बनाई हुई है, बिल्कुल हॉरिजेंटल। ठीक है, फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है ना वो बेटा खत्म, अंदर जो कुछ हो रहा है टोटली डिपेंडेंट अपॉन सेल्स एंड एटम्स ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर जो भी सेल्स, नहीं सॉरी, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इफेक्ट डालेंगे वही है। पिस्टन अपनी तरफ से फ्रिक्शन होने की वजह से कोई हीट इफेक्ट नहीं डालेगी, क्यों? क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करनी है, हमें एक मैथमेट वो टेम्परेचर का स्केल वेरीफाई करके देना है। दैट्स व्हाई हम सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा हीट एस्पेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते। समझ आई बात? आपने लेक्चर में सुना था पहले कि फ्रिक्शन भी हीट प्रोड्यूस करती है, नहीं, अब जो कुछ हो रहा है, जो जितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है उसी हिसाब से वॉल्यूम पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शन लेस बनाने का मतलब ये है कि इस साइंटिस्ट को कोई भी आगे कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर वो फ्रिक्शन की इसके अंदर नहीं करनी पड़ी। हुआ क्या है जी, इनिशियली वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर सब फिक्स हुए हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कैसे, बर्नर इंट्रोड्यूस करवा दिए, टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपकी गैस एक्सपैंड, वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, 62.5 हो गया, इससे होगा क्या, पिस्टन मूव अपवर्ड हो जाएगी, प्रेशर जनरेट होगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा गैस का, प्रेशर जनरेट होगा, जी बस हाँ जी, प्रेशर जनरेट होगा, एक्सपैंड करेगी, असल में होगा पता क्या, बर्नर हीट एनर्जी देगा। अब हीट जाएगी जाएगी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकेम फास्टर, वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, वो पुश करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे के साथ। ओवरऑल इस सारे कंटेनर के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, वो प्रेशर पुश करेगा पिस्टन को टुवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन। फाइन, जी मिस अच्छा, ये कन्वर्जन के रूल जी बताए हुए, ये आप देख लें। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस जिसका वॉल्यूम डियर ये है और इनिशियली उसका टेम्परेचर माइनस में था, -30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, एक्सपेंड कर गई है 700, जाहिर बात है हीट प्रोवाइड की होगी, हमें बताना है कौन सा टेम्परेचर है आपके पास न, वो कॉपी कैलकुलेटर यस मिस अहमद, ये जितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसके इमेज आपने मुझे लेक्चर के एंड पे डियर सेंड करना है। रिलेशन हमारे पास चॉल्स लॉ की क्या थी डियर, यही वाली थी ना, वी वन टी वन इज इक्वल टू वी टू टी यस टू, मिस ऐसी थी ना। अच्छा, अब इसमें हमें टी टू चाहिए, सबसे पहले टी टू को यहाँ लेकर आ जाते हैं, वी वन टी वन को इनवर्स करके जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ऐसा ही होता था, होता है ना, यस ठीक है, वो आपस में न्यूमिनेट वो इन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास टेम्परेचर टी वन जो है वो वी टू के साथ एडजस्ट होता है और नीचे वी वन आएगा। फाइन, यस मिस बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन, ये आप सारी वैल्यूज ले लें, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 250 था, वो आपकी बेस में है,
एक्सपेंड होने के बाद आपका वी वॉल वी टू वॉल्यूम जो है ना वो 200 हुआ इनटू, कन्वर्जन करनी पड़ेगी जी। अब यहाँ पे कन्वर्जन क्या है, ये सेंटीग्रेड के अंदर है और हमें इसके अंदर ऐड करना है। वो नीचे से ऊपर को था ना केल्विन स्केल, 273 से ऊपर को था ना बेटा, मिस ठीक है। तो जो सेल्सियस का जीरो था वो उसका आइडियल था 273 था, और जैसे जैसे नेगेटिव था वैसे वैसे जीरो पे मूव कर रहे थे, सही है। प्लस जब फॉर्मूला में डिफाइन था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कन्वर्जन किधर से ली गई है। ये देखिएगा बेटा, ये देखें सेंटीग्रेड के अंदर गिवन है +273 करना है आपने, ठीक है। ऐसा ही है, ये फॉर्मूला यूज किया गया कन्वर्जन का। कैलकुलेशन कीजिएगा बेटा, ये T2 का आंसर जो है ना कैल्विन्स में आएगा वैल्यू, ये 680 आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें आप, जल्दी से कर लें, एक और न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं उसके बाद देखो। ओके, तो सब बातचीत ही है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कवर हो जाता है। ये जल्दी से करके आपने मुझे बताना है, टीचर मैंने कर ली है। थ्योरेटिकल के ऊपर आप इतना परेशान ना हुआ करें, उसकी लॉजिक जो है ना वो हो जाती है। बस ये होता है कि थ्योरेटिकल को जरा हम जल्दी जल्दी करेंगे अब। आंसर आ गया बेटा, न्यूमेरिकल नेक्स्ट भी सॉल्व करना है। अहमद बताइएगा आपका आंसर आया बेटा, और वो यही है 680 समथिंग इस तरह वैल्यू आ रही है, यही है, पक्की बात है 80.4। आगे एक और टॉपिक देख लेते हैं जी, ये न्यूमेरिकल भी बेटा उसी तरीके से ही है, ठीक है ना। कन्वर्जन है, कन्वर्जन आप दोनों टेम्परेचर्स की कर लेंगे। इसके अंदर वॉल्यूम फाइंड करना है, यही इक्वेशन एडजस्ट होगी, वी टू इधर ही रहना है, टी टू दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है ना। टी टू दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो वी वन के साथ एडजस्ट होगा बेटा, ये मेरे पेन की तरफ देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपकी इक्वेशन उसी तरीके से होल्ड करेगी। बस ये है कि जहाँ पे वी टू मतलब सेपरेट वैल्यू आ गई है, आप उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हुए हमेशा यहाँ स्टार्ट में ले आते हो, बाकी आपका फॉर्मूला उसी तरीके से लाई करता है। इनिशियल वॉल्यूम आपके पास क्या था, 160 बेटा, पुट कीजिएगा जरा, ये रिलेशन लिख के ना वैल्यूज पुट करें, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बताएं आप करेंगे। फॉर्मूला लिखिएगा वी टू का, ठीक है, लिख लिया बेटा आपने। अब इसके अंदर इनिशियल जो चीज है ना, फर्स्ट रीडिंग, वो हमेशा वी वन टी वन होती है। वी वन 160, टी वन 30, 30 सेल्सियस था, गैस गैसेस है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 303 वैल्यू लगा दें। टेम्परेचर रेज हो गया है, 100 हो गया है, आप उसके अंदर 273 ऐड कर दें, वो 373 हो जाएगा, फाइन। कन्वर्जन इसकी गैसेस की हमेशा केल्विन में करनी है, ये बात याद रहेगी, जी मिस क्योंकि हम इसके अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, केल्विन, फाइन। यस मिस
इनिशियल वैल्यूज दोनों लगा दी आपने बेटा, और वॉल्यूम इंक्रीज 160 ही था, हमें फाइनल वॉल्यूम बताना है। मल्टीप्लीकेशन करके डिवीजन कर देंगे बेटा, आपके पास ये आएगा। वॉल्यूम का यूनिट याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अहमद आंसर आ जाए तो बेटा बता दें। कैलकुलेशन कर लिया आपने डियर स्टूडेंट? नहीं किया बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मिस, नहीं किया अभी मिस, वैल्यूज बताएंगे। अच्छा, वैल्यूज बताऊँ आपको। इनिशियल वैल्यूज जो थी, जो फर्स्ट वन होंगी वो हमेशा V1 T1 होंगी। इनिशियल वॉल्यूम की थी 160 cm³। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की 160 × 373, देन डिवाइड बाय 303। कन्वर्जन पता चल गई है आपको? हाँ जी, ये हिंट याद रखना है। ठीक है, आ जाते हैं जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। ज़रा थोड़ा सा देख लें, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये लिक्विड स्टेट में, ये देख लीजिएगा, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, स्प्रेडेड अवे हैं मॉलिक्यूल्स इनके। ठीक है, इनके आपस में लूजली बाइंडेड मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटरमोलिक्यूलर, या टोटली लिखा होता है निग्लिजिबल। ठीक है, कहीं यहाँ स्टार्ट में कुछ दिया हो, देख लेते हैं इसको, पढ़ ही लेते हैं। गैसीय स्टेट में द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वही बात जो टीचर ने बताई है, वेरी वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, बट इन लिक्विड एंड सॉलिड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैसे है? अब ये देखने से फिगर क्या पता चल रहा है, ये है गैस, ये है लिक्विड, ये है सॉलिड। ठीक है, इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर, देखें इसके कंपेरेटिवली फिर क्लोजर है, अनअरेंज्ड है, क्योंकि फ्लूइड है ना, फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट नहीं होता बेटा, वो जैसे जैसे फ्लो करते हैं वैसे वैसे उनके मॉलिक्यूल की पोजिशन चेंज होती जाती है। ऐसा ही है ना, जिस कंटेनर में डाला उसकी शेप ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, लेकिन आप ये देखें, डिफ्यूजन, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी हैं? पढ़ी थी कल, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड्स की डियर। ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं, जो आपके सॉलिड्स हैं, उनकी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें, वो जिस कंटेनर के अंदर डाले जाते हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, कभी भी शेप ऑफ द कंटेनर रिक्वायर नहीं करते। ठीक है ना, उनके स्ट्रॉन्गली बाउंडेड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो बेटा सॉलिड्स को एक शेप देती हैं। समझ में आ गई? हाँ जी, ये फिजिकल स्टेट है मैटर्स की, जो तीन बेसिक हैं उनके अंदर जो, मतलब उनकी है जो डिफरेंशिएशन है, उसकी रीजन क्या है कि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का डिफरेंस होता है, इसके अंदर निग्लिजिबल है, इसके अंदर मीडियम डोमिनेटेड, इसमें टोटली डोमिनेटेड। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेटा मोशनलेस हैं, वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर अपनी स्पेस पोजीशन एक्वायर किए हुए हैं, इसमें मोशन है कुछ, और ये तो टोटली मतलब
निग्लिजिबल है, ठीक है। लिक्विड स्टेट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। लिक्विड अटेन शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट, जिसमें उसको डाला जाता है उसी की शेप एक्वायर कर देंगे। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज, टिपिकल प्रॉपर्टीज देख लें जी। एवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। एवेपोरेशन, लिक्विड से जब गैस, पानी बॉयल होता है एवेपोरेशन हो जाती है, ऐसा ही है, अच्छा ठीक है। एवेपोरेशन का यही प्रोसेस है। एवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बेटा ये देख लीजिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। फाइन, हीट एब्जॉर्ब हुई और हीट उसने मॉलिक्यूल की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को, लिक्विड की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को इफेक्ट किया, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स रिलीज होने शुरू हो गए और देन वो गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। समझ में आ गई इवेपोरेशन का बेसिक फिनोमिना क्या है? थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, और कितने, 1 मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। उतना अगर आप पानी लें उसको हीट अप करें तो एनर्जी बेटा 40.7 किलो जाउल्स के अंदर की रिलीज होगी, ठीक है ना, जिसके ऊपर वेपर बन जाते हैं। ये देखें लिखा हुआ है ना, वेपर्स, ठीक है। ये ट्रायंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रायंगल? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मीन्स चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर। फाइन, इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन ए कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। दे पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डो नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल्स की बेटा सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और जो रिलीज हो जाते हैं उनकी मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, तो वो रिलीज होके अब ऑपरेशन हो गई। फाइन, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम दी अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस। ये पॉइंट मैं आपको अभी डिफाइन कर चुकी हूँ। एवोपरेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा, सही है। जब तक टेम्परेचर इनपुट मिलती जाएगी तब तक वो एवेपरेशन कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही आप उसकी इनपुट सोर्स को ब्रेक कर देंगे, आपका लिक्विड दोबारा से अपने स्टेबल टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा कि जिसके ऊपर उसकी एवेपरेशन ना हो। सिर्फ एक लिक्विड है, अल्कोहल। अभी तो सिस्टर्स हैं आपकी, छोटी बहन है कोई? हाँ जी, वो बड़ी होंगी, वो क्यूटिक्स यूज करेंगी, ठीक है। तो फिर जब वो क्यूटिक्स यूज करेंगी तो उसकी बॉटल खोल के चली जाएंगी ना, तो उसके अंदर जितना अल्कोहल होगा ना, वो देखना कुछ टाइम के बाद वो बॉटल खुद ब खुद खाली हो जाएगी। सिर्फ अल्कोहल एक ऐसा केमिकल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवेपोरेट कर जाता है, अदरवाइज वाटर को हीट करना पड़ता है, बाकी सब केमिकल्स को हीट करना पड़ता है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इफेक्ट हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जो होल्ड कर लेते हैं, वो लिक्विड में से एस्केप आउट होकर रेंडमली एज ए फॉर्म ऑफ गैसीय स्टेट मूव करना शुरू कर देते हैं। फाइन, अच्छा कूलिंग प्रोसेस देखते हैं इसका। व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज, वेपराइज रिलीज हो गए, टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल डाउन, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स नीचे वाले होंगे बेटा उनका टेम्परेचर गिरता जाएगा, ठीक है। टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होल्ड कर लिए वो रिलीज हो गए, रिमेनिंग जो लिक्विड रह गया उसकी उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, तो फिर उसका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए सराउंडिंग से ऐसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस एंड वी फील कूलिंग, ठीक है। इर्द गिर्द से जब टेम्परेचर इंक्रीज उसका टेम्परेचर जब एब्जॉर्ब कर लेगी वो बॉडी, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका टेम्परेचर बेटा फॉल हो जाएगा और वो कूल डाउन हो जाएंगे।
लेकिन जो बॉडी हीट अब्जॉर्ब कर रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीजिंग होता जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल से पता चलेगा, वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन द पाम, हम अपने हाथ पे अल्कोहल का ड्रॉप गिराते हैं, अल्कोहल एवेपोरेट हो जाएगा एंड वी फील द कूलिंग इफेक्ट, और हमें कूलिंग इफेक्ट पता चलेगा। ये समझ में आ गई? अभी अल्कोहल की टीचर ने दी थी ना एग्जाम्पल, दी थी ना। एवेपोरेशन जी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? बस अभी आज एवेपोरेशन को देख लेते हैं। इसके बाद सरफेस एरिया पे, सरफेस का फिनोमेना है, जितनी सरफेस ज्यादा है एवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट स्पेस ज्यादा एक्वायर हो जाएगी, ऐसा ही है ना। जब स्पेस ज्यादा एक्वायर होगी तो वो इजीली स्केप आउट कर जाएंगे, एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। समझ में आ गई? अगर हमें एक बार सॉसर यूज करना पड़ जाता है, ठीक है ना, अगर हमें टी को करना है, हम उसको किसी सॉसर के अंदर डाल देंगे, ठीक है, फिर उसको सर्कुलेट करते हैं ताकि जितने वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा के एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाए। और ये काम अमूमन हम लोग सुबह सुबह करते हैं जब स्कूल से या कॉलेज से लेट हो रहे होते हैं, तो वो इसीलिए ताकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हीट जल्दी स्केप आउट होगी, चाय ठंडी होगी, जल्दी से पिया और स्कूल चले गए। टेम्परेचर, एट ए हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस सो हाई दैट दे ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड एवेपोरेट रैपिडली, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल से आपको मैं बता दूं कि टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट, वाटर लेवल इन ए कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर जो आपका वाटर लेवल है, व्हेन हॉट वाटर डिक्रीजेस अर्लियर विद हॉट वाटर, अगर उसके अंदर हॉट वाटर है तो बेटा उसका टेम्परेचर क्या डिक्रीजेस अर्लियर है देन दैट ऑफ द कंटेनर विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का पहले स्टेगनेंट है, कोल्ड वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है, सही है। जो हॉट वाटर होता है हमेशा उसको टेम्परेचर कूल डाउन होता है, और किस वजह से? हॉट वाटर हमेशा एवेपोरेट कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे या सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऊपर अपना टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, फाइन। तो कोल्ड वाटर तो बेटा ऑलरेडी ही अगर जिस एनवायरनमेंट में पड़ा होता है वो उसके टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। दैट्स वाई एनर्जी हमेशा हॉट वाटर लूज करता है, पानी पड़ा हुआ ठंडा कभी गर्म नहीं हुआ, गर्म हमेशा ठंडा होता है, समझ आई अब, यस ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, अगर स्ट्रोंगर हैं मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन एवेपोरेशन, ऐसा ही है। वाटर हैज स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। अब ये कंपैरिजन आप देख लें डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि वाटर कभी भी एवेपोरेशन नहीं करता, सही है। अगर बेटा पानी को बाहर रखा, सनलाइट से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो तब उसके मॉलिक्यूल्स आउट होंगे, अदरवाइज उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। आप कभी ये नेल पॉलिश रिमूवर की अल्कोहल की बोतल को ओपन कर दें तो वो कुछ टाइम के बाद बेटा ड्राई हो जाती है। अल्कोहल एक ऐसा केमिकल है जो डियर रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवेपोरेट कर जाता है, सही है, क्योंकि उसकी जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लूजली बाउंडेड है, वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपनी मॉलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर देते हैं और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा एवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको टीचर्स भी अगर करके दिखाएं तो उससे आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन ये कि वैसे रियलिटी यही है कि वाटर तब तक एवेपोरेट नहीं होता जब तक उसको हीट प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपने किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ है उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन अगर किसी कंटेनर के अंदर अल्कोहल रखा हुआ है और वो अनकवर्ड है तो बेटा वो एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर, बेटा ये कल का टॉपिक वेपर प्रेशर कल देख लेंगे, अभी मीटिंग भी एंड होने जा रही है तो ये काफी ज्यादा भी आज मैंने आपको करवा दिया हुआ है। न्यूमेरिकल बेटा जो सॉल्व किए हैं वो मुझे सेंड करने हैं, ओके, दोबारा से आते हैं।